लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को TVS Raider 125 क्यों नहीं लेना चाहिए। तो पहले रीज़न के बारे में बात करें तो वो है इस मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन। इस मोटरसाइकिल में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, हाई एंड में, मिडिल एंड में थोड़ा सा वाइब्रेट करती है ये मोटरसाइकिल। और सेकंड रीज़न के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो इसका हेडलाइट है वो इतना अच्छा से एल्यूमिनेट नहीं करता है रोड्स को, और आपको इस तरह के एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने ही पड़ेंगे अपनी मोटरसाइकिल में। इसके अलावा इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें इसका जो टैंक है इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था। कहने का मतलब इसकी थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस मोटरसाइकिल को अवॉइड करना चाहिए वो है इसका इंजन। तो इंजन तो भाई बहुत ही मस्त है, लेकिन इसमें आपको किक स्टार्ट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड इसके साथ साथ इसका जो सेल्फ रोटर है इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट सिस्टम मिलता है जिसमें आपको मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू ये ऑन होती है। तो यानी कि इसमें आपको फिजिकल सेल्फ मोटर देखने को नहीं मिलती है। और इफ़ इन केस